रिश्ता डाल रहा हूँ नूरी के लिए, समझा करना यार। अम्मा किसी फैक्ट्री में मजदूरी करने वाले को तो शायद फिर भी कबूल कर ले, मगर घर घर कूड़ा उठाने वालों की बेटी को नहीं करेगी। तू बोला मुझसे शादी करेगी? ये कंगन सोने के ही है ना? हाँ जी सोने के ही। कर लूंगी शादी। आए 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 मजे आए। ईद का तोहफा। सच में? लेकिन ये क्या है, नारंगी चूड़ियाँ, नारंगी जोड़ा, काला दुपट्टा। पहली बार जब तुम्हें देखा था तो तुमने काली चादर ओढ़ी थी, बहुत अच्छी लगती है इसे। अंदर क्या है तेरा? सब कुछ समझ, सब कुछ मेरा ही है। मैं आ गई। एक मिनट, क्यों आई? राखी का वक्त हो रहा है। साहिब मैं तो सुबह सुबह निकल गई थी, लेकिन ये जो कम वक्त वैगन थी ना वो बीच रास्ते में खराब हो गई, लेकिन अब मैं आ गई। चलो ना। नहीं नहीं बहुत रश है, उसको देख नहीं रही। साहिब मैं तुम्हें देखने के लिए तरस गई थी, तुम नहीं तरस रहे थे। अच्छा खैर छोड़ो ना, चलो ना चल। छोड़ो क्या कर रही हो तुम, लोग देख लेंगे। अगर तुम मेरे साथ अभी नहीं चले ना तो ये लोग और भी बहुत कुछ देखेंगे। पूरी की पूरी डायनो तुम ब्लैकमेलर, मुझे पता है। अच्छा सुनो ना, कहा ना नहीं, बहुत ही ज्यादा सर चढ़ गई हो तुम, अपनी तो कोई इज्जत है नहीं, मेरी इज्जत का ख्याल करो। क्या चाहिए? दो दिन कम पूरा हफ्ता रह के गई है लड़की, और तुझसे ठीक से बात भी नहीं हुई। अभी ईद वाले दिन में बात करते हुए अच्छी लगूंगी। हाँ हाँ बड़ी ईदें, और कौन से उर्स करा रही है तू ईद पर? अच्छा ज्यादा शोर ना मचा, अगले हफ्ते आएगी तो माँ जन्नत से कह के उसके कान में बात डलवा दूंगी। वो तो माँ है, तेरा कोई पर्दा है उससे? खुद बात कर खुद। सांड है वो, पूरी सांड। बात करूंगी ना तो सींग निकाल के टकरे मारना शुरू कर देगी, और माँ जन्नते की बात वो मानती भी और सुनती भी आराम से। अल्लाह की कसम अगर ऐसा हो जाए ना तो दिन फिर जाए हमारे, दिन ही ना फिर जाए हमारे। बात सुन, बात सुन मेरी, कब से तुझे आवाज दे रहा हूँ, मेरी 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 आवाज को सुन क्यों नहीं रही थी? मैंने ना बड़ी देर हो गई है, मैंने कुछ भी नहीं खाया, मेरे ना चक्कर आ रहे हैं, इसलिए भट्टे पे बैठा था, भूख भी बड़ी लगी है, मुझे थोड़ी सी रोटी खिला दे। मेरी दोस्त नहीं है, खिलाएगी? चल आ जा, चल। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई अपनी माँ की कंगन उस खुसरे को देते हुए? अब नहीं मिलने वाले वो तुझे पहचानेगी नहीं, तू उसके सामने भी चला जाएगा ना तब भी वो बोलेगी तू कौन है। ऐसी की होती है उसकी तैसी। हाँ मुझे पहचाने के लिए उसको, उसने पहचानना है मुझे। रुक, अभी तो मैंने उसके लिए इतने ज्यादा जेवर खरीद के उसको गिफ्ट पैक में डाल के उसको कहना है ये जाने मन तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ, और उसके साथ ना शादी भी मनानी है मैंने। तुझे मुमताज बेगम के अलावा और कोई नहीं मिला शादी के लिए? नहीं मैं जब पहली दफा अपनी जान कहते हैं ना, शादी वाली जैसे शादी करनी होती है, जान के मिल के आया था, तो मैंने घर आके ना रिवाना चची को काटा कि मैंने इसके साथ शादी करनी है। मुझे कहती है जा जा कर शादी कर, और ऐसे नाक फुला के चली गई।
मैंने उस दिन सोच लिया था कि मैंने मैंने ना अब मुमताज बेगम के साथ हर हर सूरत में शादी करनी है और जगाऊंगा मैं अपनी चची को कि ये ले देख ये मेरी दुल्हन है लेके जाऊंगा ना जिन घर फिर पता लगेगा उसको और अगर अगर हिसाब लगाया जाए तो मेरी मुमताज बेगम मेरी जान मेरी दिल भर जो है वो मेरी चची से तो ज़्यादा प्यारी है ना भाई है ना भाई जान है ना तो क्या हो गया अगर अगर उसका डर लुमड़ी का मुंह मुंह तो आए 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 प्यारा है ना मुंह तो प्यारा है और मेरी चची मेरी चची का जो धड़ है वो इंसान वाला है मुंह लुमड़ी वाला है लुमड़ी तू सच का दीवाना है तू तू होगी दीवाना भाई तू पुदीने वाली चटनी ला दो अच्छा चल अब जल्दी से खा ले फिर घर चला जाएंगे घर घर नहीं जाना ठीक है जल्दी से खा हो गई सफाई अंदर से जी आपा जी अच्छे तरीके से की है ना तेरी आदत है काम चोरी की नबेड़ने की निकालो बस जल्दी जल्दी करो बस घर चली जाऊं मैं आपा जी इतनी देर से काम कर रही हूँ आपको मुझ पे यकीन नहीं आता आहे मेरे बच्चे के कपड़ों पे हाथ लगा रही है अभी झाड़ू में दिए थे अभी उसके हाथ लगा रही है पलित हो जाएंगे आ गया तू अम्मा जान प्यारी अम्मा जान मारने का दिल कर रहा है ना मारने का दिल कर रहा है ना आज ना मारना मुझे आज ना मारना अम्मा वो रक्षे वाला था ना रक्षे वाला इतनी तेज आया तुझे टक्कर मारी मैं रोड पे गिरा मेरी सारी कोनी चली गई हाय मेरे अल्लाह हाय आ आ आ इधर बैठ अरे क्या हुआ हुआ क्या और ये भी ये यहाँ पे भी ए शिकुड़न उधर मुंह कर पे या अरे दिखा मुझे क्या हुआ आई आई अल्लाह हाय अल्लाह लेकिन क्यों मारा तुझे किसने मारा वो है ना वो मुछर 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 वाला उसने मेरी कमर पे मम्मा मुझे पीछे पाइप मार रहा था मैं कर रहा हूँ हाँ वो फिर मार रहा मुझे था मैं कर रहा हूँ ना मार वो मुझे पाइप मार रही डोर डोर मुझे मैं तेरे बोले को पाइप मारे लेकिन क्यों मारा ये तो बता झूठा 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 कहता है तेरे तेरे लाल ने ना तेरे लाल बोले ने बाजार में जाके गली में लड़कियों को शेर है मैंने मेरी अम्मा उसको कहा मैंने उसे मैंने उसे कहा कि बोले बोले कि जूती छेड़ती है जूती ये जो जूती जो जूती छेड़ती है ने पता नहीं शक्ल कैसी थी शिकुरन की शक्ल तेरी जैसी थी बिल बतोरन अम्मा जान आपका दिल कर रहा ना मुझे मारने का आपका दिल कर रहा है ना आप मार लेना पर अम्मा आज ना मार रहा तू ना कल बिल बटोरियों को तुमने मुझे फोन पर कहा था कि सुबह की पहली वैगन से निकल आओगी और घर पहुंची हो तुम असर के बाद ये इतना टाइम तुम कहां पे रही हो मेरी क्या गलती है बाजी मैं क्या करती वैगन लेट चली थी ये तुम्हारे आने जाने की टाइमिंग मुझे समझ नहीं आती फैक्ट्री के लिए तुम फजर के बाद निकल जाती हो और फैक्ट्री पहुंचती हो 7:30 बजे ये दरमियान का 1.5 घंटा तुम कहां पे रहती हो बाजी आप पता नहीं क्या गलत गलत समझ रही है ऐसा कुछ भी नहीं है मैं चल कर जाती हूँ ना फैक्ट्री सुबह की सैर काफी अहम होती है और पूरा दिन भी बड़ा अच्छा गुजर जाता है नींद नहीं आती तो वो चलते चलते 1.5 घंटा लग जाता है
वॉशरूम है। नजीरा और रहमते ने तुम्हें करियाने की दुकान पर कई बार आते जाते देखा है, ये क्या किस्सा है भला? बाजी, करियाने वाले के पास से कितने सारे काम हो सकते हैं, उसकी दुकान में कितनी सारी चीजें होती हैं। अभी पिछले दिनों मुझे फोन में कार्ड डलवाना था, फिर मुझे सर दर्द की गोली भी चाहिए होती है, सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, कभी कुछ चाहिए होता है कभी कुछ चाहिए होता है, फिर मुझे नूरी, मैंने अम्मा जन्नते की जमानत पर तुम्हें यहाँ रखा था, वरना हाजी साहब इस हक में नहीं थे कि किसी अनजान जवान बच्ची को घर में घुसाया जाए, इसलिए मेरी बात को और से सुन, जरा संभल कर ध्यान से। अरे शकुरन देख के तोड़ ही ना दीजियो। आपा जी आप भी बड़ी अजीब बात करती हैं। आजकल घड़े का पानी कौन पीता है? आपके घर में माशाल्लाह फ्रीज है, फ्रीजर है। भैया मुझसे तो ये प्लास्टिक की बोतलों में पानी नहीं पिया जाता, ऐसी बदबू आती है गंदी कहीं की। तौबा। ए शकुरन जाके ऊपर से जाके भोले को उठा, छत पे सो रहा है। अरे अब तो सूरज भी आग बरस रहा होगा, उसके मुंह पे हड्डियां भुनवाएगा अपनी। आपा जी आप भी बड़ी मजे की बात करती है, हड्डिये बनवाएगा। अरे चुप कर, ये दांत पर्दे में रखा कर, ऐसे दांत हैं जैसे फावड़ा झट से निकाल लेती है। भाभी कुछ भोले ने मुंह से फूटा के कंगन कहाँ गए? अरे विनो क्या पूछती, पूछा था मैंने, उसने अपनी अलिफ लैला शुरू कर दी, कहने लगा वैगन में बैठा था अचानक कोई चीज चुभी, देखा तो कंगन थे, ना जाने कहां से आ गए। अच्छा चलो भले किसी जिनभूत की कारस्तानी थी, मगर फिर वो गए कहां? आगे भी सुन लो, कहने लगा वो क्या है कामोकी के बस अड्डे पे उतरा तो वहां बहुत सी परियां आ गई और मुझे लेकर कोकास चली गई, और वहां एक प्यारी सी परी को कंगन पसंद आ गया, जबरदस्ती ले गई। अरे मुझे पता है, मैं जानती हूँ मेरी औलाद है, मैंने पैदा किया है, क्या किया होगा, बेच दिए होंगे औने पौने, बेच के गुलगुले खा लिए होंगे या फिल्म देख ली होगी सिनेमा में, और क्या। हाय अल्लाह किसी को ऐसे इम्तहान में न डाले, एक ही एक औलाद और वो भी। हाँ बस रिजवाना यही सोचती हूँ, अभी तो जिंदा हूँ मैं, हूँ उसके सामने, जब मेरी आंखें बंद हो जाएंगी तो क्या होगा इस दीवाने का। और हाँ तुम्हें मैंने कहा था रशीदन से बात करूँ, बात की तुमने? हाँ बात तो की थी, मगर भाभी रशीदन के घर में तो भले फाके पड़े, पांच पांच लड़कियां हैं और लड़कियां भी काली पीली ढाई ढाई मन के वजूद वाली, मगर उसने तो कोरा जवाब दे दिया, बोली मैं अपनी कोई बच्ची बावले के साथ नहीं ब्याहूंगी, अरे सारी उम्र घर पे पड़ी रहे। मनुस कहीं कि सालों मैंने उसका घर चलाया है, ऐसी एहसान फरामोश। और बीबी तुम भी सुन लो जरा कान खोलकर, मेरा बेटा पागल नहीं है, हाँ बस जरा सी होश नहीं है उसे, और ऐसो को मैंने बड़ी अच्छी तरह संभलते देखा है शादी के बाद, तुम देखना मेरा भोला भी बिल्कुल सही हो जाएगा इंशाल्लाह, देखती जाओ या खैर करेगा। जी बाजी सुने तो बाजी, क्या है? साहिब भाई ने मिलने के लिए बुलाया आपको। सच में अभी? हाँ ना। अच्छा ठीक है, मैं कहाँ जा रही है? दुकान पे नहीं, ये साथ वाले बाग में। बाग में? बाग में। बस इतनी अकड़ थी तुम्हारी? हाँ पहले दिल तोड़ते हो, जलील करते हो, झगड़ा करते हो
और फिर पैगाम भिजवाती हो मनाने के लिए। शक्ल देखो, अपनी तेवर देखे तो। तुम मुझे मनाने के लिए आए हो ना? तुमने मुझे बुलाया मतलब तुम मुझे मनाओगे, तो तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो जैसे मेरी गलती। वैसे सच कहूं तो मनाने में पहल करके ना इस बार तुमने मेरा मान रख लिया, तो इस बार अगर तुम मुझसे माफी ना भी मांगो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरी नहीं है। और मैं तुम्हें इतना भी बता दूं, एक और बात थी तुम्हें बतानी थी, मैं आ जाती तुम्हारी दुकान पे तुमसे मिलने के लिए, लेकिन मैं नहीं आ सकी। लेकिन नाराजगी की वजह से नहीं, वो जो कुत्सियाबाजी है ना, उनका दिमाग खराब हो गया है, अजीब पागल हो गई है। कल से तफ्तीशें किए जा रही हैं, अजीब से सवाल पूछ रही हैं कि कहाँ जाती हो, क्यों जाती हो, क्या करती हो, कितना लेती हो, क्या खरीदना है, क्या है। तो मैंने उनसे दो चार बातें बोली और मैंने उन्हें मुतमईन कर लिया। ये फन तो खत्म है तुम पर, झूठ बोल। हाँ तो अल्लाह ने माशाल्लाह से इतनी प्यारी शक्ल दी है, इतनी मासूम शक्ल है, मैं दो चार बातें कर ही देती हूँ, लोगों को माननी पड़ जाती है। ठीक है, पर जो मैं पूछ रहा हूँ उसके जवाब में भी कुमाना बना दो, बोल दो झूठ। कल शाम को चूरे के होटल पे तुम किस लड़के के साथ बैठी थी? बस जी, एक चोरी की कसर थी, वो भी पूरी हो गई। अब तो घर में भी चीजें छुपा छुपा कर रखना होंगी। बस भी कर दो, ज़ेनी दुबारा ठीक नहीं है उसका, नीम पागल है बेचारा। है नहीं, बावला बना फिरता है, कभी बातें तो सुना करो उसकी, सब होश है उसको, बस काम ना करने के बहाने। खुद सोचे ना, ना कभी स्कूल जाना पड़ा, ना कोई काम धंधा करना पड़ा। अच्छा भला तो था ये, 12-13 साल का हुआ तो ये दौरे पड़ने लगे, हड हराम कहीं का। अरे मैं तो कहती हूं असल में दिमाग भाभी का काम नहीं कर रहा, जब ही तो वो उसकी शादी करने में पोते पोतियों के ख्वाब देख रही है। माँ है बेचारी, सोचा होगा पोते पोतियों से ही सुख मिल जाए और उसकी नस्ल आगे बढ़े। ये तो बड़ी खुदगर्जी है, अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए किसी गरीब लड़की की जिंदगी तबाह करनी, और फिर उसका क्या, कल को कड़े की तरह दुल्हन को भी बेच आएगा। और फिर नस्ल का क्या है, ये तो नसीबों की बात होती है। हमारी भी नस्ल आगे कहाँ चलनी, ले देके एक औलाद वो भी लड़की, कल कला को ब्याह के पराए घर चली जाएगी। अच्छा, इसका एक हल है मेरे पास, दामाद भी बेटों की तरह होता है, अगर हमारी बेटी रुखसत होने के बाद कहीं और ना जाए बल्कि यहीं पर रहे तो। क्या कहना चाह रहे हैं आप, कहीं आप अपनी भावज और बावले भतीजे की मोहब्बत में मेरी मेरी कोमल को कुर्बान तो नहीं करना चाह रहे आप? गजब खुदा का, वो घर घर से आए वजीफे में पलने वाली रशीदा ने अपनी उन लड़कियों का रिश्ता देने से भी साफ इनकार कर दिया जिनको जिनको तो कोई अंधा भी ना पूछे, और आप मेरी इस मासूम इतनी प्यारी कोमल के नहीं, ये नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। वो कल हाँ बोलो, सुन रहा हूं मैं।
उस असलम के बच्चे ने चाय बेचने के साथ साथ जासूसी का भी काम शुरू कर दिया क्या? झूठ पक रहा है वो, बकवास कर रहा है फालतू में मेरे बारे में। बकवास वो नहीं कर रहा, बकवास तुम कर रही हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है नूरी। तुम क्या कर रहे थे वहां? जो पूछा है ना मुझे उसका जवाब दो। कौन था वो? तुम्हारे को रिश्तेदार था? हो भी नहीं सकता। कोई भी रिश्तेदार अपने खानदान की इज्जत को इस तरह घटिया ट्रक ड्राइवर वाले अड्डे पर नशेइयों के बीच में नहीं बिठाता। अच्छा, तो तुम्हें ये दिखा कि वो घटिया होटल है, वहां पे नशेई बैठे, वहां पे ट्रक ड्राइवर बैठे हुए, मैं किसी को खाना खिला रही हूँ, तुमने ये नहीं देखा कि वो अल्लाह लोक इंसान है, साई था साहिब? तुम्हारे साथ क्या कर रहा था वो? खाना ठूस रहा था, भूखा था। मैंने सोचा कि मैं उस बेचारे को खाना खिला दूं तो मुझे दुआ मिलेगी और शायद लग भी जाए। तो दुआ लेने का सवाब कमाने का यही तरीका था? पैसे दे देती उसे, अपने हाथ से नवाले बनाकर उसके मुंह में डालने की क्या जरूरत थी? हाथ से नवाले बनाकर? ख्वाहिश तो है मेरी कि मैं हाथ से नवाले बनाऊं, लेकिन तुम्हें खिला। बको मत और मुझे सीधी तरह बताओ वो कौन था। मैं कुत्सियाबाजी की तरह तुम्हारी इन झूठी कहानियों में आने वाला नहीं हूँ। तुमने बात पूरी सुनी नहीं और शोर पहले ही मचा दिया। आपकी आधी बात सुनते में पूरा मकसद भाप गई हूँ। मैं अपनी बेटी के बाद उस पागल से मुतल्लिक कोई बात नहीं सुनूंगी। अभी थोड़ी देर पहले तुम खुद कह रही थी कि वो पागल है नहीं बल्कि बना हुआ। बस बस तावीलें गढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, भोले का बाप आपका सगा भाई तो था नहीं, आपका चचा जात था, और आपने उनके लिए सारी जिंदगी गला दी। अब क्या बच्चे भी मारेंगे? गला दी या सवार दी? हमारे पास था ही क्या उस चप्पा जमीन के सिवा, जहां गर्मियों में तरबूज और सर्दियों में गोभी उगाया करते थे। अब इस हवेली में चार चार कमरे हैं हमारे पास। भाभी जी ने जमीनों का पूरा हिसाब किताब मेरे हवाले कर रखा है। अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं। हाँ, तो कोई एहसान नहीं है, आप भी तो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए। बस इतना ही काफी है, मैं अपनी बच्ची नहीं कुर्बान होने दूंगी। ये किस गाउदी ने बकवास की? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कोमल ही हमारा आखिरी सहारा है। अगर कोमल ही रुखसत होकर हमारी जिंदगी से चली जाएगी तो हम किसके आसरे से जिएंगे? इसलिए रिजवाना बेगम, हमें घर दामाद ही की तलाश करनी चाहिए जिससे हमारे बेटा होने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। मैं तुमसे सच कह रही हूँ साहिर, कोई नहीं था, तुम्हें भरोसा नहीं है मेरा? नहीं है। ठीक है, ठीक है, फिर जो कहना है कहते रहो, जो सोच रहे सोचते रहो, तुम्हारी बातों का और तुम्हारी सोचों का कोई असर नहीं होता मुझ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। वैसे भी इल्जामात तो इज्जत वालों को महसूस होते हैं ना। और बकौल तुम्हारे मेरी कोई इज्जत नहीं। मेरा यह मतलब नहीं था। तुम समझते क्यों नहीं हो? हम जहाँ रहते हैं वहां के कुछ उसूल होते हैं, जंगल में नहीं रहते हम। तो सच ही कह रही हूँ ना तुमसे साहिर, दीवाना है वो, पागल है, मुसाफिर है, इधर उधर कहीं भी भटकता रहता है। अम्मा जानते हैं ना जिनके बारे में तुम्हें बताया था, वो भी जानती हैं उसे। बेचारा बहुत दिनों से भूखा था, घर का रास्ता भी भूल गया था। मैंने हमदर्दी में आकर उसे खाना खिला दिया और टिकट दिला दी। कसम से तुम्हारे सर की कसम, सच्ची कह रही। अच्छा ठीक है, मान लिया मैंने, लेकिन वो पागल है, तुम पागल नहीं हो। तुम एक लड़की हो, लड़कियों की तरह रहो। तुम्हारी यही लापरवाहियां और बेहतियातियां दूसरों को तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने की वजह देती है। अब कल दुकान में तुमने सबके सामने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब तो पकड़ सकती ना तुम्हारा हाथ, अब तो कोई नहीं है करीब। तुम्हारा कोई इलाज नहीं। हाँ है, तुम्हारी हंसी। नहीं लड़ा करो ना मुझसे।
मैं भी कहूँ तुझे तौफीक कैसे हुई मेरे पास आने की। अरे मतबली लेकर आया है अम्मा जी, अब आप भी उस अखरी को समझा सकती हो। ना, मैं उसे कोई उल्टी मत देने वाली नहीं। अम्मा जी वो सिर्फ आपकी ही सुनती है, आप अब कहेंगी ना उसे तो वो फौरन चुप से मन जाएगी। इसीलिए मैं नहीं कहूंगी, मैं उस बच्ची बेचारी की जिंदगी को खराब करने का इल्जाम अपने सर क्यों लूं? बाकी तुम लोगों की औलाद है, उसका बुरा करो भला करो, तुम जानो वो जाने, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, तू उसको कुएं में क्यों धकेल रही है? कैसी बात कर दी अम्मा जी, अब ऐसा सुथरा रिश्ता हमारी झोपड़ी में कहां से आएगा? क्या सुथरापन देख लिया तूने उस आबाश में? लोगों की इज्जतें उछालता फिरता है, शरीफों की लड़की भगाई, कई साल जेल में रहा है, हर किस्म का गैर कानूनी काम करता है वो, लेकिन तुझे तो कुछ समझ नहीं आएगी। और वो बेचारी नूरी, रिस्के हलाल को तरसी हुई बच्ची, उसके हाथों के छाले देख, उसके चेहरे का सुकून देख, क्यों उसका सुकून छीनना चाहती है तू? खैर मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आई थी, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। अच्छा मैं चलती हूँ, ये जा पड़ी। मैंने कितनी दफा आपको बताया है कि इस घर में बेहूदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। नहीं हाजी साहब कसम ले ले, मैं तो दीनी प्रोग्राम देख रही हूँ इस पर, आप ये देखें, आप देखें। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस बेहूदगी और लच्चरपन की बात कर रहा हूँ जो बाहर सेन में हो रही है। कुतिया बेगम, इस घर की जिम्मेदारी मैंने आपको दी है, अगर आप इसका एहसास नहीं कर सकती हैं तो मुझे बता दें, कोई और बंदोबस्त कर लेता हूं मैं। नूरी ये क्या हो रहा था यहाँ? क्या 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 हो रहा था बाजी? क्या बाजी, तुम्हें मैंने उस दिन समझाया था ना कि जरा संभल करो, आज तुम्हारी वजह से मुझे हाजी साहब की इतनी बातें सुनना पड़ी। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि यूं नंगे सर खुले आसमान के नीचे तुम्हारा ये नाच गाना। शरीफों के कोई तौर तरीके होते, हमारे घर में देखे कभी बाप के सामने बच्चियों को टीवी भी लगाते हुए, और तुम हाजी साहब के सामने मटक मटक के नाच गाने कर रही हो, बहुत गुस्से में है वो। मैं तुम्हें ये आखिरी बार बता रही, अब ऐसा वैसा कुछ हुआ ना मैं उसी वक्त तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी, आई समझ तुम्हें? क्या लड़की है ये। उम्र यही है तो यही करूंगी ना।
पता नहीं क्यों ये जुम्मे का दिन इतनी जल्दी मुंह उठा के सामने आ जाता है। मैंने सोचा था कि घर पे ईद गुजार कर आ गई हूँ इतने दिन, इस हफ्ते नहीं जाऊंगी, लेकिन वो जो कुत्सिया बाजी है ना, उनके पेट में मरोड़ उठना शुरू हो जाते, सौ सवाल करने लगती है। अच्छा है ना, सारा हफ्ता काम करती हो, दो दिन घर जाके आराम कर। साहिर तुम्हें देख कर मुझे आराम मिलता है, तुम हो मेरा आराम, और दो दिन घर पे गुजारना अजाब है मेरे लिए। एक बात कहूं? कहो। मुझे इतना टूट कर मत जाओ, वरना मैं भी टूटने लगी हूं। तुम मोहब्बत से इतना डरते थे या फिर मोहब्बत करने से? वो शायद इकरार करने से डरते हो या फिर निभाने से? इतने बंद बांधने के बावजूद भी तुम एक मूज और नदी की तरह बढ़ती चली जा रही है। अगर मेरे अंदर एक भी दरार पैदा होगी तो अंदर तक घुस जाओगे, हुक्मरानी करने लगोगे मुझ पर। नहीं तुमने क्या कहा है मुझे? नूर? हाँ, क्यों अच्छा नहीं लगा? नहीं, मेरा मतलब है मुझे बहुत अच्छा लगा। साहिर मुझे मेरा नाम कभी भी इतना पाक, इतना मोतबर, इतना रोशन नहीं महसूस हुआ। तुम वादा करो तो मुझे हमेशा नूर पुकारोगे? ठीक है, मगर एक शर्त। कैसी शर्त? तुम हमेशा अपने नाम की तरह नूर बन के रहोगी, पाक, रोशन, मोतबर। मुझे तुम्हारे अंदर कोई ऐब, कोई खोट नहीं चाहिए। क्या हो गया? गुदगुदी गुदगुदी हो रही है। अरे हराम है, जो दम कराने दे राम से। अम्मा अम्मा, दम 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 करना है ना, तो तू तू बिरयानी को दम लगा। खिचड़ी खिला खिला के बोर कर दिया भोले को। क्या करूं फिर, बाहर से अला भला खाकर पेट खराब कर लेता है। खिचड़ी ना खिलाऊं तो क्या खिलाऊं? हलवा मलाई। चल उठ, उठ के जाके चाचा के साथ नमाज पढ़ के आ। उठ जा, लेटा हुआ है। चाचा के साथ नमाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। क्या? चाचा ना झूठी बूटी की नमाज पढ़ता है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह के साथ मकर करता है। ऐसे नहीं कहते बुरी बात चाचा को। क्यों नहीं कहते ऐसे? मैंने खुद देखा है कल, मैंने देखा है खुद, कल मैंने खुद देखा चाचा को यूं बैठा है, बैठा है ठा करके सजदे में चला गया। नहीं अम्मा, अम्मा अम्मा बताओ ना मुझे, चाचा का रुकू कहाँ गया? अरे उसकी कमर में दर्द है इसलिए बैठ के नमाज पढ़ता है, अल्लाह ने छूट दी हुई है, तू रहने दे। चल 200 मिनट रुक्स निकालने के बजाय वजू कर, उठ नमाज पढ़। अल्लाह मेरा भी है, भोले को भी दिया छूट अल्लाह ने। चल झूठा लपाड़ी, छूट दी है इसे। पापा जी ये ठीक कह रहे हैं, जो साईं लोग होते ना, इनके ताने बाने ऊपर वालों से जुड़े होते हैं, हमें भला क्या खबर, इनको कोई ख्वाब में आके ना इशारे दे जाते हैं। अरे चुप कर जा शकुरन, मैं जानती हूँ इसे, बड़ा आया अल्लाह वाला, अरे सारा दिन फिल्में देखता है ये, बहुत तेज है, तुझे नहीं पता? अरे गिर जाएगा। ओए आए 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 आए, अरे ये कौन बेहद रहता है जो 5 मिनट बाद अजान के ढोल पीटने लगा? ये उर्स है ना, बड़े पीर का,
उनके साईं इकट्ठे होके ना गली गली चंदा इकट्ठा कर रहे। अरे चल चल अंदर, अरे नहीं जाना तूने, चल अंदर बोले, चल अंदर। मैं नाच के आ जाऊंगा ना थोड़ा सा वापस। दरवाजा खिड़किया बंद कर ले, कोई मांगने भी आए ना चंदा तो बिल्कुल नहीं देना। अरे चल अंदर, पापा जी जाने देना। अरे चल भी था पे नाच लेगा तो कुछ होने दे, दरवाजा बंद करके खोली ना। अरे क्या बोला था, फिर से बोल। अरे सीधे फाड़ फाड़ के क्या देख रही है, खुशी की खबर सुनाई है तुझे? खुशी? कैसी खुशी? हाँ कौन सी खुशी? किससे पूछ के तुम लोगों ने मेरा रिश्ता तय किया है उस शोके से? क्या है उसमें? अरे तो तुझ में क्या है, शुक्र कर के ऐसा बंदा मिल रहा है। जो भी हूँ ना, जैसी भी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है मेरी। अरे फिक्र क्यों ना करे, माँ बाप है तुम्हारे, और वो माँ जन्नत ने तुझे अगले घर रुखसत नहीं करना जो उसकी पटियां पड़ रही है। बेबे तेरा दिमाग माग तो नहीं खराब हो गया है, पागल हो गई है? मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया है, और अम्मा जी से तो अभी तक मैंने इस बारे में कोई बात ही नहीं की है। मैं खुद इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मुझे पता हो मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। मेरी शादी होनी होगी, हो जाएगी, और शोके जैसे इंसान से शादी करने से पहले ना मैं जहर खा लूंगी। अच्छा तो फिर कौन मिलेगा तुझे, शहजादा? शहजादा ना सही, इंसान तो होगा, रूखी सूखी खिलाएगा खा लूंगी, इज्जत से झोपड़ी में भी रखेगा ना रह लूंगी, यही काफी है मेरे लिए। लेकिन हमारे लिए ये काफी नहीं है। वो शौका तेरे बाप को पूरा 1,00,000 रुपया देगा, और तेरे भाइयों को काम भी। वो जो उसका डेरा है ना, उसके पीछे पक्का क्वार्टर बना हुआ है, वो देगा हमें रहने के लिए। देख ये सौदा बुरा नहीं है। सौदा? मैं एक बात बता, मुझे हम चूड़े चमा रही हैं ना, या फिर अभी नए नए बने? बस आ जा रहा